मैं हजरत मौलाना मुफ्ती नदीम अहमद साहब से गुजारिश करूंगा कि वो स्टेज पर तशरीफ लाएं और मुख्तसर वक्त में अपने ख्यालात का इजहार करें। यह भी अल्हम्दुलिल्लाह किसी के तारुफ के मोहताज नहीं है, इनके वालिदे मोहतरम मौलाना मुफ्ती खलीकुर रहमान साहब ने पूरे कश्मीर में अमीर अजीमत का मिशन मुश्किल हालात में अल्हम्दुलिल्लाह वहां पहुंचाया। उनकी कुर्बानी इंशाअल्लाह हमेशा याद रखी जाएगी। अल्लाह ताला हमें इस मिशन नजरिए औकात पर चलने की तौफीक अता फरमाए। ठीक अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाई वल मुरसलीन वाला आलिही व असहाबिहि तय्यिबीन ताहिरीन व अम्मन तबिअहुम बिहसानिन इला यौमिद्दीन अम्मा बाद फाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम إنما يخشى الله من عباده العلماء وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أفضل الجهاد من قال كلمة حق عند سلطان جائر صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين। जिस धज से कोई मक्तल में गया वो शान सलामत रहती है, जिस धज से कोई मक्तल में गया वो शान सलामत रहती है, जुर्रत से ज़रा गर्दन को कटा उस दिल को नदामत रहती है। कर खौफ़े खुदा मत मौत से डर, ये मौत तो आखिर आनी है। कर शौक़े शहादत का पैदा तब जान अमानत रहती है। ए मर्द मुसलमान गौर से सुन, है दौर सलीबी जंगों का, सब कुफर हुआ है यकजा, अब मुस्लिम से अदावत रहती है। इंतहाई काबिल सद एहतराम स्टेज पर मौजूद उलमाए किराम आल सुन्नत व जमात सिफाए सहाबा से ताल्लुक रखने वाले गैरतमंद मुसलमान भाइयों, आज का ये खूबसूरत प्रोग्राम जो कश्मीर के उलमा के लिए सजाया गया है, जो मुख्तलिफ मदारिस से फारग हो रहे हैं, आज उनके एजाज में और उनके सरों पे दस्तार रखी जाएगी, उन्हें इनामात दिए जाएंगे। मैं एक दो बातें अर्ज करके आपसे इजाजत चाहूंगा। अल्लाह के फजलो करम से मदारिस हमारे लिए बहुत बड़ी नेमत है और इन मदारिस की हमें कदर करनी चाहिए। इन मदारिस से हमें उलमा मिलते हैं, इन मदारिस से हमें फुकहा मिलते हैं, इन मदारिस से हमें मुफस्सिर मुहद्दिस मुहक्किक मुअर्रिख सकालर अदीब खतीब मिलते हैं, इन मदारिस से हमें मर्द कलंदर और मर्द मुजाहिद मिलते हैं। ये मदारिस अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। मदरसा क्या है आप गौर करें, वो अनार के दरख्त के नीचे बैठने वाला उस्ताद और शागिर्द, अगर कोई शख्स ये समझे मदरसा इमारत का नाम है, मदरसा बिल्डिंग का नाम है, मदरसा बेहतरीन कालीनों का नाम है, तो उसकी गलत फहमी है। मदरसा उस्ताद और शागिर्द के बैठ जाने का नाम है, जहां उस्ताद और शागिर्द बैठकर कुरान और हदीस की तालीम देंगे उसे मदरसा कहा जाएगा। ये जो इमारतें हैं ये जरूरत के तहत है, वरना जहां उस्ताद और शागिर्द बैठ जाए वो मदरसा है। चाहे वो दरख्त के नीचे बैठे तो तब भी मदरसा है, चाहे वो खेत में हल चला रहे हो, कुरान और हदीस की तालीम वहां दी जा रही है तो वो मदरसा है,
वो किसी दुकान पे बैठ जाए तो कुरान और सुन्नत की तालीम दी जा रही हो वो मदरसा है। कोई अगर ये समझे कि मदरसा इमारत का नाम है, इमारत को गिराएंगे तो मदरसा खत्म हो जाएगा, ये उसकी भूल है। ये तो जरूरत के तहत है। और अगला जुमला भी मैं कह दूं कि इन मदारस को नारे तकबीर, नारे तकबीर सहाबा हजरत मौलाना शेख तसद्दुक हुसैन साहब, हजरत मौलाना मुफ्ती अब्दुल वली जलाली साहब, माशाल्लाह कायदे कश्मीर, हजरत अक्दस हजरत मौलाना तसद्दुक हुसैन साहब, इसी तरीके से हजरत मौलाना मुफ्ती अब्दुल वहीद जलाली साहब तशरीफ लाए। खुश आमदेद, में अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कह रहा हूँ कि मदरसा क्या है। अगर कोई शख्स ये समझे कि हम इन इमारतों को गिरा देंगे ये खत्म हो जाएंगे, मैं कह रहा हूँ तुम्हारी भूल है। इनको सिर्फ इसी हॉल के अंदर रहने दो, अगर ये बाहर निकल गए तो गली कूचों में तुम्हें जगह नहीं मिलेगी। जहां देखोगे उस्ताद और शागिर्द बैठकर कुरान और हदीस की तालीम दे रहा होगा, फिर तुम्हारे लिए मुश्किल हो जाएगा। वो वक्त आएगा फिर इंशाअल्लाह अजीज तुम देखोगे तुम्हारी नेशनल असेंबली में भी मौलवी और तालिबे इल्म बैठा हुआ कुरान और हदीस की तालीम दे रहा होगा। मैं कह रहा हूँ मदारस तुम्हें सलाम है, तुमने जर्नेल पैदा किए, तुम्हें सलाम है, तुमने अस्मत के मीनार पैदा किए, तुम्हें सलाम है, तुमने मर्द कलंदर पैदा किए, तुम्हें सलाम है, तुमने ऐसे जर्नेलों को जन्म दिया है। रब्बे काबा की कसम, अगर तारीख खोलू हैरान हो जाओगे। मैं और कुछ नहीं कहता, मैं उस मर्द कलंदर की बात कर रहा हूँ जो जंग से उठा जैसे दुनिया अमीर सीमत मौलाना हकनवाज जंगवी के नाम से जानती है। वो हकनवाज तेरी कब्र पे कुर्बान जाऊं कि तूने सुन्नियत को ऐसा बेदार कर दिया, ऐसा बेदार कर दिया। अब हर एक शख्स के सुबह पर सहाबा सहाबा है। इंशाअल्लाह अजीज वो वक्त आने वाला है जब तुम्हारी नेशनल असेंबली में भी सहाबा सहाबा होगा। बनारस के लोगों, मेरे दीनी लोगों, मैं आपसे कह रहा हूं अगर आप चाहते हो अमली मैदान में आए, आप चाहते हो सहाबा की अजमत पे पहरा दे, आप चाहते हो सहाबा के तकद्दस और नमूस पे पहरा दे, कैसे देना होगा? पहले इलम को सीने में डालना होगा। हमने गोली नहीं चलानी, हमने गाली नहीं देनी। जिसके पास इलम होता है, जिसका सीना इलम से भरा हुआ होगा, वो दलाइल की दुनिया में मार देगा। हम दुश्मन से कहना चाहते हैं, हम गाली नहीं चलाते, हम गाली नहीं देते। अल्लाह के फजल और करम से हमारे अकाबर ने, हमारे असराफ ने, हमारे बुजुर्गों ने इतना इलम दे दिया है कि हम इलम की दुनिया में तुम्हें मार देंगे। गाली से नहीं, सहाबा के नारों से, गाली से नहीं, सिद्दीक के नारा से। इंशाअल्लाह अजीज वो वक्त आने वाला है जब दुश्मन अपनी मौत मरे। इलम हासिल करो। इलम क्या है? किसी ने मौलाना शब्बीर अहमद उस्मानी रहमतुल्लाह ताला अलैह से पूछा, बताओ आपने इब्ने कय्यम को देखा है, इब्ने जौजी को देखा है, इब्ने तैमिया को देखा है, अल्लामा अलूसी को देखा है? तो मौलाना शब्बीर अहमद उस्मानी कहने लगे, हाँ मैंने देखा है। फिर साहिल ने सवाल किया, मौलाना आप उस दौर में थे नहीं, कैसे देखा है? कहने लगे, मैंने बसूरत अनवर शाह कश्मीरी देखा है, मैंने इब्ने कय्यम का इलम अनवर में देखा है, मैंने इब्ने तैमिया का तकवा अनवर में देखा है, मैंने अल्लामा अलूसी का इलम अनवर शाह में देखा है। अनवर शाह तेरे पास भी इतना इलम है? एक दिन अनवर शाह कश्मीरी दारुल उलूम देवबंद के कुतुबखाने से गुजर रहे थे, निगरान से पूछा, बताओ तेरे कुतुबखाने में कितनी किताबें हैं? निगरान कहने लगा, हजरत मेरे रजिस्टर में रजिस्टर 16,000 किताबें हैं। तो अनवर शाह ने आसमानों की तरफ देखा, देखकर मुस्कुराए, मुस्कुरा के कहने लगे, अगर इन 16,000 किताबों को अंग्रेज चला डाले, इन 16,000 किताबों को
अंग्रेज बहा डाले इन 16,000 किताबों को, अंग्रेज उठा कर ले जाए। याद रखना अब अनवर शाह का सीना दारुलूम देवबंद का कुतुब खाना बन चुका है। कहने लगे अब परेशानी की जरूरत नहीं है, अनवर शाह मतन तो दूर की बात है, अरे जहां पर हाशिया लगा है अनवर शाह को बिठाओ, हाशिया भी इसी अंदाज में लिखे दिखाएगा। ये है हमारे अकाबर अहले सुन्नत के लोगों, सहाबा की अजमत के लिए मैदान में आ जाओ, कोई वक्त नहीं गया है। आज भी इब्ने, आज भी अमीर असीमत, आज भी हकरवा छलवी, आज भी आजम तारक, आज भी सारुल कासमी की ललकार मौजूद है। और आखिर में इतना कहता हूँ, न घबराओ मुसलमानों, खुदा की शान बाकी है, अभी इस्लाम जिंदा है, अभी कुरान बाकी है।